नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। और फास्ट मनी में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी कुशल और साथी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया मानसी, आज फास्ट मनी में मेरे साथ कुशल मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। पहले एक बार संकेत देख लेते किस तरह के हैं ग्लोबल मार्केट से। अगर आप देखें तो एसेक निफ्टी से शुरुआत करें तो करीब 45 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको फिलहाल नजर आएगी। और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो भी अगर आप देखें मिली जुली, और ज्यादा जो बड़े मार्केट्स हैं जिसमें आप निके जैसे मार्केट देखिए, हैंगसेंग देखिए, यहाँ पे कमजोरी के साथ ही शुरुआत आज के सेशन में होती हुई दिखी है। कल डाउ जोन्स 400 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ था, और आज जो डाउ फ्यूचर्स की शुरुआत हुई उसमें भी आप देखिए 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। ज्यादा डिटेल्स जानते हैं, कुशल मौजूद है भी है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए ग्लोबल क्यूज कैसे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए संदीप, ग्लोबल क्यूज तो काफी खराब लग रहे हैं। इनफैक्ट कल अमेरिकी मार्केट में भी देखे तो 450 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब देखिए, इतने बड़े स्टिमुलस पैकेजेस जो अभी तक ऐलान किए गए हैं उसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट जो है वो स्टेबलाइज होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका एक बड़ा बयान और चौंकाने वाला बयान आता हुआ नजर आया है कि अगले जो दो हफ्ते हैं वो बेहद पेनफुल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो अमेरिकन बाजार में जो है आज भी और आगे भी आता हुआ दिख सकता है। अब ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि भारतीय बाजारों में इस दौरान कैसी चाल रहती है और यहाँ पर कोरोना वायरस का कैसा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कल भी हम देखें तो काफी बड़ा नंबर जो है कोरोना वायरस का इंडिया में भी जो नंबर ऑफ काउंट है वो बढ़ते हुए नजर आए थे। अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि एशियन मार्केट से भी कैसे क्यूज आ रहे हैं, क्योंकि एशियन मार्केट को अगर आप देखें तो वहां पे जो जापान के मार्केट है वहां पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, पर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं। आज एक्सपायरी का दिन है, ये बेहद अब इंपॉर्टेंट होगा कि आज जो है ट्रेडर्स कैसा मूव लेते हैं, FIIs कैसा मूव लेते हैं। तो फिर उस हिसाब से आज एक्सपायरी का दिन भी, जैसे कुशल आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लेकिन एक बार जरा आइडिया दीजिए एक्सपायरी का दिन है कितने बाय सेल लेकर आए हैं? देखिए संदीप, यहाँ पर जो मुझे मोमेंटम लग रहा है आज मेरी पर्टिकुलरली जो सूची बनी है वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग और भी हमें आती हुई नजर आए तो बाजार जो है शुरुआती दौर में हो सकता है बढ़े, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ग्लोबल सेंटिमेंट है उस वजह से कहीं ना कहीं सेल ऑफ आ सकता है। तो मेरी सूची में सारे के सारे स्टॉक जो है आज मैंने बिकवा लिए। अरे बाप रे, सारे के सारे सेल लेकर आए हैं, लेकिन मेरी लिस्ट में भी ज्यादातर सेल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको तीन स्टॉक्स खरीदारी के भी बताऊंगा, सात स्टॉक्स मेरी लिस्ट में बिकवाली के हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कुशल हाईलाइट कर रहे हैं कि आज एक्सपायरी का दिन है, मोमेंटम स्ट्रांग रह सकता है शॉर्ट कवरिंग का आज भी, तो शुरुआती सेशन में जो एक तेजी बनेगी या फिर बढ़त बनती है उसको आप बिकवाली या तो फिर मुनाफाजोली के तौर पर इस्तेमाल करें, ये बेहतर रणनीति होगी। ये आपके लिए पूरा अब तक का पूरा जो मूड माहौल है ग्लोबल मार्केट्स का वो आपके सामने। चलिए अब आज के स्टॉक्स से उनकी शुरुआत करें, उससे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो कल आपको स्टॉक्स बताए थे वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने कल आपको याद होगा 10 के 10 खरीदारी के ट्रेड्स आपको बताए थे। 10 में से 9 स्टॉक्स, अगर आप बजाज फाइनेंस को छोड़ दें जो पहला स्टॉक था, बाकी सभी 9 स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। और पहला नाम जो मेरी लिस्ट में था जो काफी अच्छा परफॉर्म किया वो है HDFC लाइफ का, 7% ये स्टॉक चढ़ के बंद हुआ, करीब 9% के आसपास की तेजी। निपोन AMC ये स्टॉक आपको कल बताया गया था उसमें देखने को मिली। इसके अलावा HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों में आप देखिए 2 से लेकर 4% तक का अपमूव कल के सेशन में देखने को मिला। ये स्टॉक्स भी खरीदारी के तौर पर बताए गए थे। स्पाइस जेट में मैंने 5% ऊपर सर्किट का टारगेट दिया था, सर्किट पर ही स्टॉक बंद होता वो दिखा। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कुशल, मैंने कल आपको 4 मेटल स्टॉक्स बताए थे, आपको कहा था कि मेटल आज परफॉर्मर हो सकता है, पूरे दिन का स्टार परफॉर्मर हो सकता है। मिश्र धातु देखिए, ये 3.5% चढ़ के बंद हुआ। टाटा स्टील में 6% की तेजी थी। 13% का उछाल हमने कल सेल के स्टॉक में, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है उसमें देखा। और उसके साथ साथ आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर, इस स्टॉक में भी 5.5% के गेंस देखने को मिल रहे थे। तो 10 स्टॉक्स खरीदारी के बताए गए थे, 10 में जो 9 स्टॉक्स हैं उनमें अगर आप देखें तो सबसे कम करीब 2.5% और ऊपर में 13% तक का मूव देखने को मिला। आपके स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए? बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मेटल काउंटर्स जो भी आपने चूज किए वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कल के सत्र में आता हुआ दिखा। शुरुआती दौर में तो अच्छा प्रदर्शन दिखा, पर उसके बाद बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा अगर कोई लीड कर रहा था तो वो सारे के सारे मेटल काउंटर्स ही थे। तो चलिए, मेरी सूची जो मैंने आपको कल बताई थी उसमें से 10 में से 8 स्टॉक जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, 6 स्टॉक खरीदारी के बताए थे, 4 स्टॉक्स
कन्विक्शन बिकवाली के थे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 के 6 स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए जो खरीदारी के थे, जिसमें ब्रिटानिया, लुपिन, HDFC, DLF और ICICI लोम्बार्ड, साथ ही ICICI पोटेंशियल मैंने आपको बताया था खरीदारी की सूची में, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी रही। पर दो बिकवाली के कैंडिडेट जो है वो भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आप देखिए इंटरडे में 20% तक की गिरावट हमें देखने को मिली, साथ ही RBL बैंक यहाँ पर भी 10 से 12% जो है आपको बिकवाली का ट्रेंड आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट बाजार की तेजी में ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करते हुए नहीं नजर आया, इनफैक्ट यहाँ पर फॉल जो है वो ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आया। होपिंग था, इनफैक्ट शानदार परफॉर्मेंस था और बहुत ही बढ़िया कॉल थी इंडसइंड बैंक और आरबीएल की। जहाँ तक बात है, कल हमने देखा था 3-4 ऐसे बड़े प्राइवेट बैंक थे जो कि टूटते हुए दिखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो HDFC बैंक मैंने आपको बताया था वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था, वहाँ पे करीब 3.5% के आसपास की मजबूती थी, लेकिन इंडसइंड बैंक और आरबीएल बहुत शानदार परफॉर्मेंस कल वहाँ पे देखने को मिला था। चलिए अब आज के शेयरों की शुरुआत करते हैं। मेरी लिस्ट में जो पहला नाम है, इनफैक्ट जो पहले 5 नाम है वो बिकवाली के ही हैं। शुरुआत मैं करना चाहूँगा ONGC और ऑयल इंडिया के साथ। पहला नाम ONGC है जिसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं आज के सेशन में। दरअसल जो कल शाम को गैस प्राइस की कीमतें रिवाइज की गई हैं, घरेलू गैस की कीमतें रिवाइज की गई हैं, वो 26% की कटौती वहाँ पे की गई है। 20 से 25% का अनुमान हर कोई करके चल रहा था कि जो कीमतें हैं वो घट जाएंगी, $2.5 के भी नीचे आती हुई दिखेंगी, लेकिन $2.39 की जो प्राइसिंग है वो शायद ही कोई एक्सपेक्ट करके चल रहा था। और ONGC की जहाँ तक बात है कुशल, मैं आपको बता दूँ इनका जो डीप वाटर ब्लॉक्स में ये गैस का प्रोडक्शन करते हैं, ये जो कीमतें आ गई हैं 5 साल के निचले स्तर पर, शायद ये जो अपने कॉस्ट हैं शायद वो भी ना रिकवर कर पाए, तो इनके जो गैस कारोबार जो है वो लॉसेस में जा सकता है। और ऑलरेडी अगर आप देखिए क्रूड की कीमतें $23 के आसपास है, तो जो तेल का कारोबार है वहां से भी क्या आउटपुट आता है वो देखिएगा, क्या रेवेन्यूज आते हुए देखेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए दोहरी मार है जहां तक ONGC की बात है। कल का जो मूव 7-8% ऊपर जो स्टॉक चला था, और अगर खुदा ना खास्ता आज भी ऊपर खुल जाता है तो ऊपर में इसको शॉर्ट करने का मौके के तौर पे देखिए। आज में मुझे लगता है कि आसानी से 65 रुपये तक के टारगेट भी आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। 69.5 या 70 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है उसे मेंटेन करना होगा। सिमिलर स्टोरी आप देखिए ऑयल इंडिया की है, जो कि 10% साइज है ONGC का, अगर आप देखिए इसे छोटा भाई बोला जाता है ONGC का, तो 78 रुपये का टारगेट इसमें भी होगा। इसी ट्रिगर के आधार पर 84 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तीसरा नाम जो है वो है IT स्पेस से NIIT टेक, जो देखें आप 1000 रुपये के नीचे भी फिसल गया था, अब 1150 रुपये के आसपास आ चुका है, तो 15% का मूव लो लेवल से ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। मुझे लगता है कि जिस तरह का मूव देखने को मिला था कल भी, जो अप मूव आया था उसके बाद आज शॉर्ट करने का काफ़ी अच्छा मौका है। अगर यहाँ से रुपया मजबूत होना है तो जाहिर सी बात है फिर IT एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मूव पिछले कुछ दिनों में आया भी है और शॉर्ट करने के मौके काफ़ी अच्छे हैं। अगर ऊपर खुलता है, जैसे कुशल आप भी कह रहे थे कि सेल ऑन राइज की रणनीति है, तो कोई भी IT स्टॉक जिसमें NIIT टेक एक प्रबल दावेदार, जो कि मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार आज के सेशन में हो सकता है। एक्सपायरी है ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग है कल काफ़ी हद तक हो चुकी है, और अगर पहला हाफ में शॉर्ट कवरिंग होती है तो ऊपर में हायर लेवल्स पर शॉर्ट करने का मौका ढूंढिए। 1090 ये आपका नीचे की ओर टारगेट होगा, 1160 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। कुशल आपके 3 खिलाड़ी पहले। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मैंने भी अपने जो पहले 3 कॉल्स हैं वो IT स्पेस से दिए हैं, और यहाँ पर जो रीजन है वो अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था कल, तो वो बहुत चौंकाने वाला है, और अगले जो 2 हफ्ते हैं US में काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकते हैं, तो इसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, इनफैक्ट बिजनेस कंटिन्यूटी वाला जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं US में डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट बना हुआ है वहां पे वो काफी खतरनाक है। अब ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे IT कंपनियों के आगे के बिजनेस प्लान्स होते हैं उधर जो सिनेरियो है उसको लेकर। अब ये देखिए, अगर आप इंफोसिस जो है वो मेरा पहला कॉल है आज की सूची में, यहाँ पर आपको बिकवाली की राय दी जा रही है, इसी तर्ज पर यहाँ पर आपको जो है एक शॉर्ट टर्म फॉल नजर आ सकता है, तो 620 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, 675 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही HCL टेक है, यहाँ पर भी आपको बेचकर चलना है। इनफैक्ट ये जो 2 स्टॉक्स है मैंने आपको परसों भी बिकवाली की राय दी थी इनमें, और यहाँ पर जो भी गेन्स कल के सत्र में अगर बने थे तो यहाँ पर वो लूज आउट करते हुए नजर आ सकते हैं, तो 415 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी बिकवाली करके चलें और 455 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और साथ ही तीसरा जो कॉल है वो है माइंडट्री का। इनफैक्ट अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो बाकी जो 2 काउंटर्स हैं वो 60% से ज्यादा रेवेन्यू US से लेते हैं, जबकि माइंडट्री सबसे ज्यादा एक्सपोजर इसका US में है, 73% रेवेन्यू जो US से डिराइव करता है, तो यहां पर भी बिकवाली करने की राय है। 765 के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली करें, और 840 का हायर साइड पे सारे स्टॉप लॉस दे रहा हूं, 840 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
ठीक है, तो आपने आईटी स्टॉक से शुरुआत करी, एक आईटी स्टॉक मैंने भी आपको बताया, लेकिन जो अगले दो नाम मेरी लिस्ट में हैं वो परपेचुअल शॉर्ट जैसे हम कहते हैं ना, इसमें एनसीसी और पीएनबी, ये दो ऐसे नाम हैं जिसमें आज आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। देखिए ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में आपको ब्रेकडाउन नजर आएगा, चार्ट्स आपको बेहद वीक नजर आएंगे, कोई भी बाउंस मिलता है, कोई भी शॉर्ट कवरिंग आती है, तो इन स्टॉक्स में आप खरीदारी या बिकवाली करने के मौके ढूंढे। देखिए एनसीसी में आप देखिए कल भी जो शॉर्ट कवरिंग थी एक्सपायरी के मूव पे चलते, कल काफी शार्प मूव इस स्टॉक में देखने को मिला था। अगर ये स्टॉक आज भी ऊपर खुल जाता है किसी भी कारण से या किसी भी वजह से, तो इस स्टॉक में ऊपरी स्तरों पे आप बिकवाली करने के मौके ढूंढे। मैंने आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से लेवल्स दिए हैं, 18.80 रुपये की क्लोजिंग थी, मैंने 17.5 रुपये का टारगेट और 19.10 रुपये का आपको स्टॉप लॉस दिया है। जिस हिसाब से खुलता है अगर ऊपर में आपको मौका मिलता है तो उस हिसाब से आप अपना जो स्टॉप लॉस और टारगेट है उसको एडजस्ट कर लें, लेकिन आपको शॉर्ट ही करना है ऊपरी लेवल्स पे, अगर ये खुल जाता है तो हाई लेवल्स पे शॉर्ट ही करके चलें। पांचवा नाम है पीएनबी का, जैसे मैंने कहा पंजाब नेशनल बैंक, ये भी एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है इस स्टॉक की, जहां तक बात है तो कल 32.35 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी। कोई भी बाजार में कमजोरी आएगी तो हो सकता है कि पीएसयू बैंक ही उसे लीड करते हुए देखिए, और पहला नाम जो कि सबसे खराब चार्ट वाइज आपको नजर आएगा वो पीएनबी का ही है, तो उस लिहाज से 30 रुपये तक के टारगेट भी आज के सेशन में अगर आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात है, कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आप 33 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, खुलने दीजिए, खुलने के बाद जब एडजस्ट हो जाए प्राइजेस उसके बाद शॉर्ट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक्सपायरी के चलते हो सकता है कि बाजार में थोड़ा सा मूव ऊपर की ओर आता है वो दिखे, अगर ऐसा होता है तो फिर आपको हाई लेवल्स पे शॉर्ट करने के मौके ढूंढने हैं। कुशल आपके अगले दो शेयर। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारत फोर्ज जो है वो मेरा अगला कॉल है यहाँ पर, और ये बिकवाली की राय इसलिए भी है क्योंकि कल के सत्र में बाजार जब इतना तेज हुआ था उसमें भी जो है ये फॉल करता हुआ नजर आया था, यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस जो है वो जारी रह रही है, तो यहाँ पर वीक जो है स्ट्रक्चर लग रहा है और आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि यूएस भी अगर आप देखें तो ये 40% रेवेन्यू डिराइव करता है यूएस से, तो यहाँ पर आपको बेचकर चलना है 230 के लक्ष्य के लिए और 248 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। साथ ही पांचवा कॉल जो है मेरी सूची में वो है यूपीएल के फ्यूचर्स बेचने की राय है, इसका भी काफी बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर है और अगर आप देखें तो कल के सत्र में कैश सेगमेंट में ये करीब 6-7% चढ़ता हुआ नजर आया था, तो यहां पर आपको बिकवाली करके चलनी है क्योंकि मार्केट का जो सेल ऑफ होगा उसमें कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट और लीड करता हुआ भी नजर आ सकता है, हो सकता है, तो यहां पर आपको बेचकर चलना है 315 के टारगेट के लिए और 350 का हायर साइड पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके ठीक है, तो ये पांच शेयर हो गए आपके सामने, जो अगले शेयर्स हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि मेरी लिस्ट में 7 बिकवाली के ट्रेड्स हैं, अगला जो नाम है थोड़ा हैरानी करने वाला है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। कल का अगर आप मूव देखें बहुत शार्प था, बहुत स्मार्ट मूव स्टॉक ने दिखाया था, 7-8% के आसपास की तेजी के साथ इस स्टॉक में हमने देखा कल क्लोजिंग बनती हुई दिखी थी। आज भी हो सकता है, जैसे अब आज एक्सपायरी का दिन है क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि ऊपर में स्टॉक खुलते हुए दिखे, लेकिन ध्यान रखिए जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि आज हो सकता है ऊपर खुलने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ जो मुनाफा वसूली है, जो दबाव है ऊपरी स्तरों से, वो जाहिर सी बातें इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए ज्यादातर जो मूव है एक्सपायरी का वो कल के सेशन में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। दूसरी बात ये भी है, जिस तरह का मूड माहौल है, जिस तरह का कोरोना को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं, अब 8 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित नजर आ रहे हैं, कल की छुट्टी है तो हम कहीं ना कहीं अगर कोई तेजी की पोजीशन है भी या तो फिर कोई शॉर्ट कवरिंग हुई भी है वो शायद आगे और रोल ओवर ना होती हुई दिखे, और वैसे भी कोई भी एक दिन की जो छुट्टी है उसमें अपनी बड़ी तेजी की पोजीशन या तो फिर कोई बहुत बड़ा एक तेजी का ट्रेड लेके जाना शायद ही इसमें समझदारी समझे, तो उस लिहाज से हो सकता है जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनमें शॉर्ट कवरिंग कल ही शुरू हो गई थी आज अगर ऊपर में वो खुलते हैं तो जाहिर सी बात है लेटर हाफ में वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं खुलने दीजिए स्टॉक्स को, जब सेटल हो जाए हायर लेवल्स पे आपको शॉर्ट करने का मौका मिले तो ज्यादा बेटर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह से कल के मूव के बाद अगर 2-3% ऊपर ही आपको मिल जाए तो शॉर्ट कीजिए। मैंने कल की क्लोजिंग के लिहाज से आपको लेवल दिए हैं 1090 का टारगेट है क्योंकि 1112 के आसपास की कल की क्लोजिंग थी कैश सेगमेंट में, 1130 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है, आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं जिन लेवल्स के आसपास आप शॉर्ट करें, लेकिन परफेक्ट कैंडिडेट होगा आज के लिए अगर बाजार में गिरावट आनी तो शायद यही स्टॉक है जो कि लीड करता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है सेल का बिकवाली का वो है पिरामल
एंटरप्राइजेस का। आप इसका चार्ट देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक में जो तेजी का मूव है वही देखने को मिला है। तो उस लिहाज से देखा जाए, आज चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो शायद ही कोई अपनी जो पोजीशन है उसे और आगे कैरी फॉरवर्ड करता हो। देखिए आज हो सकता है कुछ मुनाफा वसूली, अगर ये ऊपर खुल जाता है तो ऊपरी हाई लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैंने 950 रुपये का आपको स्टॉप लॉस दिया है। कल की 938 की क्लोजिंग के हिसाब से 910 रुपये तक की जो डाउनसाइड है वो स्टॉक में आज खुल सकती है। खुलने दीजिए, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके पिरामल एंटरप्राइजेस में हाई लेवल पे आज आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। जो तीसरा नाम है मेरी लिस्ट में, अगला नाम जो है आठवां शेयर मेरी लिस्ट में, वो एक खरीदारी का शेयर है, वो है जीएम ब्रिवरीज का। कल परसों भी हमने देखा था जो लिक्विड स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा स्मार्ट जो अप मूव है वो आता हुआ दिखा था, खासतौर पे ऐसे स्टॉक्स जो कि अब सैनिटाइजर्स बनाने की यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार से जीएम ब्रिवरीज को भी अब सैनिटाइजर्स बनाने के लिए जो लाइसेंस है वो मिल गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए जो बाकी बिजनेस है, लिकर बिजनेस है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ भी रही है तो एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम, एक नया लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए खुलता हुआ दिखा है। और अभी अगर आप देखिए जो नीड ऑफ द आर है, जो समय की जरूरत है, वो यही है कि मास्क और जो सैनिटाइजर्स हैं उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी कंपनियां उस तरफ बढ़ रही हैं उनको बाजार में देखें तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल भी रहे हैं। मुझे लगता है कल ये स्टॉक फ्लैट बंद हुआ था लाल निशान में, तो हो सकता है कि आज के सेशन में जो न्यूज़ फ्लो डेवलप हुआ है उसके बेसिस पे जीएम ब्रिवरीज में अगर 325-330 तक के टारगेट भी आ जाए कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आप एक स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिए 305 रुपये के आसपास का। न्यूज़ फ्लो के आधार पर हो सकता है कि आज इस स्टॉक के लिए अच्छा दिन रहे, 325 रुपये के आसपास के टारगेट हैं। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मेरी सूची को आगे बढ़ाते हैं और अगले पांच कॉल्स भी मेरे बिकवाली के हैं, जिसमें तीन स्टॉक्स एनबीएफसी स्पेस से हैं और दो स्टॉक जो है वो ऑटो सेक्टर से हैं। तो पहले जो तीन स्टॉक्स हैं एनबीएफसी में, उसमें सबसे पहला नाम जो है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का है। अगर आप कल के सत्र में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव इसमें देखने को मिला था, इनफैक्ट यहाँ पर काफी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिकवाली जो है फिर से हावी हो सकती है। शुरुआती एक डेढ़ घंटे में हो सकता है कि अच्छा मूव दिखा दे, पर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक कांस्टेंट सेल है मेरी सूची में और यहां पर भी आपको बिकवाली करने की राय दी जा रही है। 630 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बेचकर चले और 680 का हायर साइड पे सारे स्टॉप लॉसेस हैं, क्योंकि शुरुआती सत्र में हो सकता है कि अप मूव हमें देखने को मिले, तो 680 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये जो है सातवां स्टॉक है मेरी सूची में, कल के सत्र में ये भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, करीब 4-5% की इंटरडे तेजी इसमें देखने को मिली थी और यहाँ पर जो ये मूव है ये वारंट नहीं कर रहा है कि आगे भी कंटिन्यू करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी गिरावट का जो ट्रेंड है वो आपको आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। तो 94 के टारगेट के लिए आप यहां पर बिकवाली कर चले। साथ ही अगर आप आठवां स्टॉक देखें मेरी सूची में तो वो है मन्नापुरम फाइनेंस का। इनफैक्ट यहां पर जब भी बिकवाली आती है बाजार में तो यहां पर हम पिछले एक डेढ़ हफ्ते का अगर आप ट्रेंड देखें तो ये कैंडिडेट जो है काफी स्ट्रांग बन रहा है नेगेटिव टेरिटरी में जाने के लिए, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली भी आपको बेच कर चलना है। शुरुआती सत्र में अच्छा मूव दिखा सकता है पर उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रांग जो है सेल ऑफ आता हुआ नजर आ सकता है। तो 90 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बिकवाली कर चले और 102 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो। ओके ठीक है, जो नौवां शेयर मेरी लिस्ट में है वो एक खरीदारी का ट्रेड है, आखिरी दोनों शेयर इनफैक्ट खरीदारी के ही हैं। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये अगला नाम है जिसमें आज आपको खरीदारी करके चलनी। कल भी हमने देखा था मूव काफ़ी स्मार्ट स्टॉक में देखने को मिला था। इनफैक्ट जो खबरें आई हैं, जो न्यूज़ फ्लो है वो थोड़ा सा सपोर्टिव नज़र आ रहा है, जिस तरह का मूव कल आया है उसके बाद हो सकता है आज फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट भी बनता हुआ दिखे। FY20 यानी कि जो वित्त वर्ष कल खत्म हुआ है 31 मार्च को, FY21 में HAL ने 21,100 करोड़ रुपये का टर्नओवर रिकॉर्ड किया है जो कि अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। आय में करीब 7% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने दर्ज करी है, तो उस लिहाज से रिकॉर्ड टर्नओवर इन्होंने क्लॉक किया है। स्टॉक में आप देखिए हाई लेवल से करेक्शन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हो सकता है कुछ कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं उनमें आज जो मूव है वो काफ़ी स्मार्ट देखने को मिले। कल की जो अच्छी तेजी थी स्टॉक में 1.5% के आसपास की, उसके बाद हो सकता है कि आज भी मूव अगर जारी रहा तो ऊपर में 550 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 527 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा। आखिरी जो शेयर मेरी लिस्ट में है वो है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का। कल अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्टॉक में मूव बनता हुआ दिखा था,
इनफैक्ट 230 रुपए के आसपास का, 235 रुपए के आसपास का इसका 52 वीक लो है और उसी के आसपास ही कल की क्लोजिंग आप देखें 250 रुपए के नीचे की है, तो अपने 52 वीक लो से ज्यादा दूर नहीं है। कल जरूर हमने एक स्मार्ट अप मूव इस स्टॉक में आता हुआ देखा था, लेकिन इनकी एक यूएस की सब्सिडरी है जिसको यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि आज जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में एक मूव बन सकता है। 260 तक के अपसाइड की तैयारी स्टॉक करता हुआ दिख रहा है। 245 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जुबिलेंट लाइफ में भी आज के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए बिल्कुल संदीप, और अगले जो दो स्टॉक्स हैं मेरी सूची में वो ऑटो स्पेस से हैं और यहाँ पर मार्च ऑटो सेल्स नंबर्स जो हैं आज से आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको तमाम ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और मेरी सूची में हीरो मोटोकॉर्प जो है अगला कॉल है, यहाँ पर बिकवाली करके चलनी है। 1540 के लक्ष्य लिए करीब 41% जो है सालाना आधार पर हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि मार्च ऑटो बिक्री में गिरावट आएगी इसमें, और 1650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में महिंद्रा एंड महिंद्रा का, भी ये जो दोनों स्टॉक्स हैं मैंने आपको दिए थे पर यहां पर परफॉर्मेंस थोड़ी रिवर्सल साइड पे थी, पर आज मुझे लग रहा है कि नंबर्स के लिहाज से काफी खराब परफॉर्मेंस इनकी आ सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 58% का फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 277 का टारगेट जो है आपको इसमें लगाकर चलना है और 300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओके, तो ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने, अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से आपके सामने रिकैप रख देते हैं। मैंने आपको 7 ट्रेड बिकवाली के, 3 खरीदारी के बताए थे। शुरुआत मैंने ओएनजीसी ऑयल इंडिया के साथ करी थी जहां पे 26% गैस की कीमतों में कटौती हुई है, हो सकता है इनके जो गैस के कारोबार है वो घाटे में आ जाए, तो ओएनजीसी में बिकवाली करें। 65 का टारगेट, आज 70 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ऑयल इंडिया में आज के लिए 78 रुपए का टारगेट है नीचे की और 84 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। एनआईटी टेक, अगर रुपए में मजबूती आती है और जिस तरह से यूएस में स्थिति बन रही है, जो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान भी आया है, तो हो सकता है कि आज आईटी स्टॉक्स में वीकनेस रही तो एनआईटी टेक में हो सकता है जो अप मूव आया पिछले कुछ दिनों में उसके बाद अब 1090 तक के टारगेट्स आ जाए तो हैरानी नहीं होगी। 1160 का आप यहां पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दो परपेचुअल शॉर्ट है, एनसीसी और पीएनबी, कोई भी हायर लेवल से मौके मिले आपको शॉर्ट करना चाहिए। एनसीसी में 17.5 का टारगेट, 19.10 का स्टॉप लॉस। पीएनबी में आज के लिए 30 रुपए तक के टारगेट्स हैं, 33 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें। स्ट्रक्चर वीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल का मूव काफी शार्प था, आज भी अगर आपको मिले हायर लेवल पे शॉर्ट करके ही चलेंगे। 1090 का टारगेट होगा, 1130 का स्टॉप लॉस रखें। पिरामल एंटरप्राइजेस पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मूव आया है, उसके बाद आज हो सकता है ऊपर खुले तो शॉर्ट करने के बेहतरीन मौके होंगे। 910 का टारगेट, 950 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें। और जो 3 खरीदारी के ट्रेड्स हैं उसमें जीएम ब्रिवरीज इनको लाइसेंस मिला है 3 महीने के लिए सैनिटाइजर बनाने का महाराष्ट्र सरकार से। 325 का टारगेट, 305 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। एचएएल ने रिकॉर्ड टर्नओवर क्लॉक किया है FY20 में, पॉजिटिव मूव बन सकता है 550 तक का, 527 का स्टॉप लॉस लगा लें। और जुबिलेंट लाइफ की जो यूएस की सब्सिडरी है उनको क्लीन चिट मिला यूएस एफडीए से। 260 का टारगेट आज के लिए, 245 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। बिल्कुल संदीप, चलिए मेरी सूची को रिकैप करते हैं फटाफट, जिसमें पहले जो 3 कॉल्स है वो आईटी स्पेस से हैं जिनका यूएस में 60% से ज्यादा का एक्सपोजर है। इनफैक्ट माइंडट्री का जो है 73% एक्सपोजर है, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है उसके बाद सेंटिमेंटली ये काफी स्टॉक्स आज के सत्र में वीक हो सकते हैं। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और माइंडट्री, इन तीनों में बिकवाली की राय है। इसके अलावा भारत फोर्स, जिसका यूएस से करीब 40% रेवेन्यू आता है, यहां पर भी बिकवाली करने की राय है। साथ ही आपको यूपीएल, जिसका बहुत बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर भी है, यहां पर कल के में अच्छा आप मूव दिखा था पर यहां पर आज भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि उसके बाद फिर से आपको बिकवाली जो है आज हावी रह सकती है, तो 315 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी बिकवाली करके चलें। इसके अलावा और जो 5 स्टॉक्स मैंने आपको रेकमेंड किए थे उसमें एनबीएफसीज और ऑटो सेक्टर से स्टॉक्स स्पेसिफिकली हैं, जिसमें पहले 3 कॉल्स जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आईबी हाउसिंग और मन्नापुरम फाइनेंस है। ये जो 2-3 स्टॉक्स हैं ये कल के सत्र में अच्छा मूव दिखाया था इन्होंने, पर यहां पर आज फिर से बिकवाली जो है हावी हो सकती है। और साथ ही आपको हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा में बिकवाली करने की राय है। मार्च के ऑटो सेल्स नंबर्स आने वाले हैं और इन दोनों स्टॉक्स जो है सालाना आधार पर काफी अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहां पर आपको बिकवाली करके चलें। ओके, तो 17 शेयर बिकवाली के और 3 शेयर खरीदारी के आपके सामने रखे गए हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए मुनाफे भरा हो। इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे शेयर बाजार लाइव आपके सामने होगा, तब तक के लिए नमस्कार।